हेलो दोस्तों, मैंने आपको अपने इस चैनल में एक वीडियो के बारे में बताया था जिसमें मैंने गौरी माँ के एक बहुत ही दुर्लभ पाठ के बारे में बताया था, लेकिन कुछ लोग इस पाठ के अर्थ को समझ नहीं पाए थे। तो आज मैं आपको इस पाठ का अर्थ बताऊंगी और बताऊंगी कि क्यों यह पाठ इतना प्रभावशाली है। यह पाठ दरअसल में एक प्रार्थना है। यह वो प्रार्थना है जो स्वयं सीता माता ने गौरी माँ से की थी। यह पाठ सीता माता के मुख से की गई एक प्रार्थना है जो उन्होंने गौरी माँ को प्रसन्न करने के लिए और मन चाहे वर यानी कि श्री राम जी को प्राप्त करने के लिए उनसे की थी। सीता जी श्री राम जी से ही विवाह करना चाहती थी। वे उनके मन में बस चुके थे। वे उन्हीं को पति के रूप में पाना चाहती थी। परंतु सीता जी को संदेह था कि इतने सुकुमार कोमल से राम जी धनुष उठा पाएंगे या नहीं, तो उन्हें यह सोचकर बहुत चिंता होने लगी और इसीलिए वे अपनी सहेलियों के साथ भवानी जी के मंदिर गई और उनसे विनती करने लगी। उनके सामने हाथ जोड़कर यह वंदना करने लगी कि हे शेष पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और छह मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांतियुक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति को इष्ट देव मानने वाली शेष नारियों में है माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और गणेश जी भी नहीं कह सकते। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। फिर सीता जी कहती हैं, मेरे मनोरथों को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। ऐसा करने से गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनो सिये सत्य असीस हमारी, पूज ही मने कामिना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिली ही जाही मनुराचा। अर्थात, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री राम जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान है। वह तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार से श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई और भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। तो दोस्तों, यह पाठ इसीलिए इतना प्रभावशाली है
क्योंकि यह सीता माता के मुख से स्वयं की गई एक प्रार्थना थी। और इसीलिए जो भी लड़की इस पाठ को रोज़ गौरी माँ के सामने पढ़ती है तो उसे भी मनचाहे वर की प्राप्ति होती है, और अगर मैरिड लड़की इसका रोज़ पाठ करती है तो उसकी मैरिड लाइफ हमेशा सुखी बनी रहती है और उसे जीवन भर अपने पति का प्यार मिलता है, उसे बहुत प्यार करने वाला जीवन साथी मिलता है। दोस्तों, यह पाठ आपको रामायण में मिल जाएगा। यह पाठ रामायण के मास पारायण के 7वें विश्राम के 234 दोहे में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।